अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, जमा कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि वेक्टर्स में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और सेकेंड उसमें डायरेक्शन। तो जब आपने डायरेक्शन को ऐड करना है तो हम कभी भी उसको सिंपल अर्थमेटिक रूल्स के साथ, हिसाबी कवानीन के साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डायरेक्शन आ जाती है। जैसे अगर हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि हम कहें कि हम ईस्ट में वेस्ट को ऐड कर दें या नॉर्थ में साउथ को ऐड कर दें, तो इन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं। वो रूल आपके पास क्या है, हेड टू टेल रूल। ये हेड टू टेल रूल नाम से देखें, इसमें हमने क्या करना है कि हेड को किसके साथ मिलाना है, टेल के साथ। हेड टू टेल रूल में या हेड टू टेल रूल हम कैसे यूज करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखें कि आपके पास ये दो गिवन वेक्टर्स हैं ए और बी। तो हेड टू टेल रूल हमें ये बताता है कि जितने भी गिवन वेक्टर्स हैं उसमें आपने क्या करना है, पहले वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलाना है। और रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे कि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे तो वो चीज़ उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये दो गिवन वेक्टर्स हैं ए और बी, इसमें ये फर्स्ट वेक्टर आपका क्या है, ए। यहाँ से हमने क्या किया कि इस वेक्टर बी को उठाया सिंपल, और इस वेक्टर ए में बी को ऐड कर दिया। ऐड किस तरह किया है कि पहले का हेड और दूसरे की टेल, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे कि पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिला दें तो जो चीज़ आएगी वो आपके पास इन दोनों गिवन वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी आर आपके पास क्या है, वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर है। इसके बाद देखें, यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, या सिंपली कहा जाता है कि प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी वेक्टर ए में बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम आएगा। जैसे यहाँ पे फिगर में देखें कि ये आपका फर्स्ट वेक्टर क्या है ए, सेकंड वेक्टर क्या है बी, यानी ए में हमने किसको ऐड किया, बी को। कैसे ऐड किया है, बाई हेड टू टेल रूल, यानी पहले वेक्टर के हेड को दूसरे की टेल के साथ मिला दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, पहले की टेल को आखिरी के हेड से मिला दिया, पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला दिया। तो ये जो रेड लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो रिजल्टेंट है ये किसका है, ए और बी का। इसमें हमने क्या किया है, बी को किसमें ऐड किया है, ए में। अब अगर आप इसमें क्या करें कि फर्स्ट वेक्टर बी ले और सेकंड वेक्टर ए, इसमें क्या था कि पहला वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर बी, लेकिन अगर आप बी में ए को ऐड करें तो वही सिंपल रूल, ये फर्स्ट वेक्टर बी इसको उठाया यहाँ रख दिया और सेकंड वेक्टर ए यानी ये वाला इसको उठाया और यहाँ रख दिया, बाई सिंपल हेड टू टेल रूल। यानी देखें पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल, रिजल्टेंट वैसे निकालेंगे पहले की टेल को आखिरी के हेड से मिला दें। तो ये लाइन दोनों में कॉमन आ रही है, यानी यही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है रिजल्टेंट ए और बी का, और यही लाइन नीचे रिप्रेजेंट कर रही है बी और ए का, यानी दोनों का रिजल्टेंट। जब आपने बी को ए में ऐड किया है या ए को बी में ऐड किया है, दोनों का रिजल्टेंट क्या आया है, सेम। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ये फर्स्ट केस, इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया है, और आर इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये सेकंड केस में ये जो नीचे वाला रिजल्टेंट इन दोनों का है, जब ए को बी में ऐड किया है तो आर इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये मैंने इसको इक्वेशन टू का नाम दे दिया है। इन दोनों इक्वेशंस को आप जब कंपेयर करेंगे, यानी बाय वन एंड इक्वेशन टू, तो इसमें आप देखें कि इन दोनों इक्वेशंस में ये भी रिजल्टेंट और ये भी रिजल्टेंट, तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरह से देख सकते हैं। एक तो ये है कि इस इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करें,
लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल, तो राइट साइड राइट के इक्वल, इसलिए मैंने लिखा है यानी लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है तो राइट साइड राइट के इक्वल। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड और ये सेकंड इक्वेशन की राइट साइड, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। एक तो इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा क्या है कि फिगर से आपको नजर भी आ रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है सेम, तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे आप नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स में 2+4 कर दें या 4+2 कर दें तो उनका आंसर सेम आता है, यानी 2 में 4 ऐड करें 6 और 4 में 2 ऐड करें तो आपका आंसर क्या आता है 6। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। उसके बाद है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो इसका रूल वही है सिंपल एडिशन वाला, एक स्टेप एडिशनल है। वो क्या है कि जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड आउट कर लें। नेगेटिव वेक्टर किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं कि जस्ट वो जो गिवन वेक्टर है उसकी आप डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, रिवर्स कर दें, तो जो नया वेक्टर आता है हम उसको गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपने कैसे करनी है, जिस वेक्टर को ऐड करना है सॉरी जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसका पहले नेगेटिव वेक्टर फाइंड आउट करें या उसका नेगेटिव वेक्टर निकालें और फिर सिंपल हेड टू टेल रूल आप उसको फर्स्ट वेक्टर में ऐड कर दें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा। कैसे, इसको देखिए, ये वेक्टर आपका ए है और ये वेक्टर बी है। सपोज आप बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, सिंपली इस बी का नेगेटिव वेक्टर लें। बी का नेगेटिव वेक्टर मैंने आपको बताया जस्ट इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, बी का नेगेटिव वेक्टर क्या आ जाएगा माइनस बी, यानी हमने यहाँ पे क्या किया है इस गिवन वेक्टर बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। अब भाई सिंपल हेड टू टेल रूल आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, यानी जस्ट आपने क्या करना है कि जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके या उसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड आउट करके उसको फर्स्ट वेक्टर में बाई हेड टू टेल रूल ऐड कर दें। ये ऐड कैसे किया हुआ है देखें, ये आपका फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, ये गिवन वेक्टर ए और ये सेकंड वेक्टर माइनस बी। अभी मैंने आपको बताया कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसको फर्स्ट वेक्टर में ऐड कर दें बाई सिंपल हेड टू टेल रूल, वही कर रहे हैं। ये फर्स्ट वेक्टर ए और ये सेकंड वेक्टर गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर आ गया। कैसे ऐड किया, ये पहले का हेड और दूसरे की टेल, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिला दें, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ए प्लस माइनस बी, यानी ये फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। इस तरह आप वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का एक बेसिक रूल है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है आप उसके डायरेक्शन को रिवर्स करके फर्स्ट वेक्टर में इसको सिंपल हेड टू टेल रूल ऐड कर दें। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर, यानी किसी भी वेक्टर को आप किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसमें दो रूल्स हैं, फर्स्ट क्या है कि अगर आपको ये गिवन वेक्टर ए दिया गया, इसमें क्या करते हैं कि अगर आप इस गिवन वेक्टर ए को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर का मतलब है कि वो नंबर जीरो से बड़ा हो यानी प्लस में हो, तो फिर जब आप इस वेक्टर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम इस गिवन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगी यानी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन जो होगी जो मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर आया होगा उस गिवन वेक्टर की या नए आने वाले वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पहले वेक्टर के सेम रहेगी। कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा है इफ मल्टीप्लाइड बाई ए नंबर विच इज एन ग्रेटर देन जीरो, यानी एन आपके पास एक ऐसा नंबर है जो जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, जैसे मैंने एन इज इक्वल टू 2 लिया है, तो जो गिवन वेक्टर आएगा
उस गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड एन टाइम चेंज हो जाएगी। एन टाइम्स का मतलब है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगी या चेंज हो जाएगी, लेकिन जो डायरेक्शन है नए आने वाले वेक्टर की वो पहले वेक्टर की डायरेक्शन के सेम रहेगी। कैसे? जैसे यहाँ पे देखें, ये वेक्टर था ए और ये इसकी डायरेक्शन थी। इस वेक्टर को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 आपके पास क्या है, एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। जब आप इस वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नया वेक्टर आएगा उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो उतने टाइम चेंज होगी जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया। जैसे ए को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो पहले से डबल हो जाएगी क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करें। ये इतना है, ये और ये, यानी ये गिवन वेक्टर के 2 टाइम जो है वो न्यू वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो चेंज हो जाएगी और न्यू वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो गिवन वेक्टर के सेम होगी, यानी जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन इसकी होगी। उसके बाद जो सेकंड केस है, सेकंड केस में देखें कि इफ मल्टीप्लाइड बाई ए नेगेटिव नंबर एन लेस देन 0, यानी इसमें एन क्या होगा, 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव होगा। जैसे एन इज इक्वल टू -2 लिखा है, तो जब माइनस वाले नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू वेक्टर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड तो एन टाइम्स ही चेंज होगी या एन टाइम्स ही इंक्रीज होगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो गिवन वेक्टर के अपोजिट हो जाएगी, यानी गिवन वेक्टर जो आपको दिया गया होगा उसकी डायरेक्शन के अपोजिट आएगी। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए, वेक्टर ए है जो आपको गिवन है, जब इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया था तो तब पॉजिटिव नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया था उतने टाइम इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हुई थी, लेकिन डायरेक्शन जो वेक्टर की पहले वेक्टर के सेम आ गई। लेकिन जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ए को -2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसकी मैग्नीट्यूड पहले से 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, लेकिन नेगेटिव नंबर की वजह से इसकी डायरेक्शन न्यू आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन पहले की क्या होगी, रिवर्स होगी, अपोजिट होगी। जैसे इसमें देखिए, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी सिंपल क्या है कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने टाइम उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। अगर नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन नए आने वाले वेक्टर की सेम रहेगी, और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर नए आने वाले वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। इसकी एग्जांपल्स देखें, जैसे मैंने पहले एग्जांपल देखी है लीनियर मोमेंटम की, ये दो चीजों का प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। वेलोसिटी इसमें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यानी इसमें क्या है कि एक वेक्टर वी को एक स्केलर मास एम से मल्टीप्लाई किया गया इसमें, यानी ये बेसिकली यही है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, यानी किसी वेक्टर वी को स्केलर मास एम से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यू वेक्टर आता है या जो न्यू क्वांटिटी आती है वो क्या आती है, लीनियर मोमेंटम पी। इसमें क्या है कि जब आपने वेलोसिटी वी को एम से मल्टीप्लाई किया तो जो नई चीज़ आई है वो क्या है, लीनियर मोमेंटम पी। ये लीनियर मोमेंटम पी हमें क्या बताता है कि इस गिवन वेक्टर वी की जो मैग्नीट्यूड है वो एम टाइम पहले से इंक्रीज हो जाएगी, और जो न्यू वेक्टर पी आया इसकी डायरेक्शन वही होगी जो गिवन वेक्टर वी की थी, और लीनियर मोमेंटम के अंदर जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम पी की होती है। यानी बेसिकली जो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ले जाती है वो वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली ले जाती है। सेकंड एग्जांपल देखें, एफ इज इक्वल टू एम ए, ए क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यानी इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, तो जो न्यू क्वांटिटी आती है वो फोर्स आती है, फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि जब एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यू वेक्टर या न्यू क्वांटिटी आती है वो हमें क्या बताती है कि गिवन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, गिवन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो m टाइम पहले से इंक्रीज हो गई है, और जो न्यू वेक्टर में फोर्स मिला है उसकी डायरेक्शन वही होगी जो पहले गिवन वेक्टर की थी, और फोर्स की डायरेक्शन भी वही होती है
जो एक्सेलरेशन पे होती है, यानी इसमें क्या है कि जो इनिशियल वेक्टर था या गिवन वेक्टर था वी, और न्यू आने वाला वेक्टर था पी जब आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, और जो न्यू वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो गिवन वेक्टर की है। और इसमें भी क्या है कि जो इनिशियल वेक्टर है गिवन वेक्टर है वो ए, और जो आने वाला वेक्टर है न्यू वेक्टर है वो क्या है फोर्स, और जब आपने इस गिवन वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो जो न्यू वेक्टर है फोर्स उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो गिवन वेक्टर की थी।